नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सायमा। समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर एनडीए का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासत में गहमा गहमी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने एक ऐसी मांग भी की है जिसने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर दिल्ली पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। मैं अपने विधानसभा में गरीबों का इलाज फ्री में कराता हूं, यहां के विधायक क्यों नहीं कर सकते। गरीबों को बर्बाद करने में ये सबसे अहम भूमिका शराब की है, इसलिए पूरी यूपी में शराब बंद होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 24 नवंबर को लक्षापुर में आयोजित वंचित शोषित जागरण जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम है सुभाषपा, इसलिए अन्याय के खिलाफ बगावत जारी रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब वंचितों के शोषण करने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि वंचित अब शोषण करने वालों के खिलाफ बगावत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अब नेताओं के गुलाम हैं। आरक्षण का लाभ शोषित और वंचितों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि सत्ता और प्रशासन की शीर्ष कुर्सी पर बैठे लोग ही ये लाभ ले रहे हैं। उन्होंने एक देश एक शिक्षा की वकालत की और कहा कि शिक्षा मुफ्त मिलेगी तो बच्चे शिक्षित होंगे और अपना हक प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 2007 में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो देखा कि बच्चे होमगार्ड का ड्रेस पहनकर आते थे, हमने उस पर रोक लगवा दिया और सूट बूट टाई में बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था कराई। पार्टियों में मंत्री बनने वाले लोग सदन में जाकर जनता की आवाज उठाना भूल जाते हैं। इसके पहले अध्यक्षता कर रहे मेहीलाल सेठ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जितेंद्र राजभर, रेखा देवी, संतोष राजभर, विनोद राजभर, कमलेश के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर लक्षापुर की जनसभा में काफी संतुलित नजर आए। उन्होंने वंचितों शोषितों की बात तो की ही, वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। पत्रकारों ने मंत्री पद न मिलने पर उनके कदम के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो 2024 में एनडीए गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन की जीत के लिए ही प्रचार और जनसभा करेंगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि हम काम करते हैं हर्रा, गोली चले चाहे ठर्रा। अपने शायराना अंदाज से ओपी राजभर ने एक बार फिर से यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सहमति मिली तो ब्रजेश उनकी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा में किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बोर्ड के निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, कोई एक व्यक्ति टिकट का फैसला नहीं कर सकता। खैर, जो कुछ भी होगा बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि सियासत में कुछ भी ज्यादा दिनों तक छिपता नजर नहीं आता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती।
क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।